यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेकर टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेकर रिक्शा तक, रिक्शा से लेकर महानगर पालिका तक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे, कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है, हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम, और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड दे करके सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। अभिजीत राणे जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके बड़े भाई सुरेंद्र राणे जी, विनोद सर, अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पारिवारिक प्रोग्राम में इधर आए, क्या कहना चाहते हैं? हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान, हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये आज आए। आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे, सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है। मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी, और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है।
वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं, खास करके उनका भी विशेष आभार, धन्यवाद। सर, एक आपने 1000 दुकानों का वादा किया हुआ है, सर क्या है? हमारे महिलाओं, जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाले जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरी मुंबई में खोली हुई है। लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं, और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खोलने वाले, जहां पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच अभिजीत राणे, जिन्होंने इतना लोगों को सपोर्ट किया आगे बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ काम करके दिखाने का, एंड समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर और जय महाराष्ट्र, एंड आई एम प्रभावी पाठक एंड माई एक्ट्रेस एंड मॉडल। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले तो आप लोग आते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी अवार्ड शो हो, फंक्शन हो, जब तक आप लोग नहीं आएंगे कोई इंटरेस्ट मज़ा आता नहीं है। तो थैंक यू, सबसे पहले आप सबको शुक्रिया, एंड अच्छा लग रहा है मुझे बेस्ट एक्ट्रेस एंड मॉडल का अवार्ड मिला है। बाय द वे, मैं नेक्स्ट एक अवार्ड शो कर रही हूँ, फिर आई होप कि आप सब लोग भी वहाँ आएंगे। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आपके? मैंने 4 फिल्में की हैं, सजनी, पीयून, दिशा, और अभी एक साउथ फिल्म कर रही हूँ धनिका, जिसमें हमारे सलार और KGF के विलन हमारे गरुणा सर हैं, उनके साथ मैं फिल्म कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारे महाराष्ट्र डे है, मुंबई में 1 मई का डे है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे लाडले चहेते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा, और जितने भी उनके कार्यकर्ता है या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आए हैं, और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको पुरस्कार दिया गया लोगों को, कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की, तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और खास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट के जो काम को देख करके अभिजीत राणे जी धड़क फाउंडेशन द्वारा किया गया, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आज सबको महाराष्ट्र डे की शुभकामनाएं देती हूँ, कामगार यूनियन को भी शुभकामना देती हूँ। मैं अभिजीत राणे जी का थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने हमारे काम को काबिल समझा और हमको एक सम्मान से सम्मानित किया, इनका दिलो जान से धन्यवाद है। और इन्होंने जो समाज के लिए इतना काम करे, जो खुद इतना करने के बाद भी पिक्चर में बाद में आते और लोगों को आगे करते, तो इनकी दरिया दिली है, इनको दरिया दिली को मैं सलाम करती हूँ, और अभिजीत राणे जी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आज महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिन के महाराष्ट्र दिशा औचित्य संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 5 वर्ष चाल 106 उतक निघाल्यानंतर या महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्याची जाणीव आजच्या त्याचा माझा सांगतो होतो, आणि ज्यांनी ज्यांनी महाराष्ट्र निर्माण पाण्याचं बलिदान केलं त्या सर्वांना मी मानाचा मुद्रा करतो, आग्रांजली अर्पण करतो, आणि म्हणून आज सर आपने कहना चाहिए कामगार दिवस है, जिस तरीके से अभिजीत राणे साहब ने लोगों को सम्मानित किया है, आपके आवाज भाई क्या कहना चाहेंगे? अभिजीत राणे वयाच्या 9व्या वर्षी धरमतर खाडी पोहून पराक्रम गाजवलेली व्यक्ती, आज सामाजिक पत्रकारिता कामगार या संपूर्ण मोठ्या सागरामध्ये ते स्वैरपणे संचार करता है। अनघा राणे, अशोक राणे, अभिजीत राणे, अमोल राणे
हा संपूर्ण राणे परिवार मुंबई मित्र वृत्त मित्र हे मराठी हिंदी इंग्रजी ह्या वृत्तपत्रांचा संपूर्ण समूह ते चालवतात आणि तळागाळातल्या सगळ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम ते आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सत्कार करण्यात आला त्या सत्काराबद्दल मी अभिजित राणे मुलगा राणे अशोक राणे अमोल राणे यांना धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर आज कामगार क्षेत्र जवळपास नष्टत्वाला येत असताना अभिजित राणे उभारी देत आहेत त्यांच्या प्रयत्नातून. त्यांना या कार्यात यश लाभ एवढंच सुयशित आणि माझ्या सेवा संस्थेचा अध्यक्ष अरुण पुंडलिक गव्हाणे आज आम्हाला या जागेवरती कामगार दिनानिमित्त अवॉर्ड मिळालेला आहे धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून. त्यांचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो आणि असंच काम अभिजित राणेंचं चालू आहे आणि सर्व कामगारांना मी शुभेच्छा देतो. मुच्छलाबाई अपंग सेवा संस्था त्याच्यामध्ये मी किशाबाई बापू सौंदर मरखजिंदाल आज कामगार दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते. आणि आज हा अवॉर्ड जो मिळाला आहे आम्हाला धडक कामगार युनियन यांच्या वतीने, तर आज हा सन्मान आमचा वच्छलाबाई अपंग सेवा संस्थेचाच नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींचा आहे. यासाठी आम्ही खूप खूप आभार आहोत. धन्यवाद. नमस्कार. आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने धडक कामगार युनियनतर्फे अनेक संघटनांचा सन्मान केला जातो आणि आज वच्छलाबाई अपंग सेवा संघटनेचा हा सन्मान इथे आणि त्यांना सन्मानासाठी इथे क्रमप्राप्त धरलं हे महाराष्ट्रभरात. आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन असल्यामुळे सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज कामगार दिनानिमित्त धडक कामगार युनियनचे संस्थापक श्री अभिजित राणे साहेब यांनी हा 2024 पुरस्कारासाठी, मी एक पोलीस इन्स्पेक्टर आहे यासाठी त्यांनी माझा या ठिकाणी माझी निवड केली याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. याचं महत्त्वाचं कारण असेल तर मी ज्यावेळी इंडोशी पुलिसमध्ये असताना संतोषनगर बीटमध्ये होतो. या ठिकाणी नितीन तोरसकर साहेब आहेत पत्रकार. पब्लिक रिलेशन, पब्लिक आणि पोलीस यांच्यामधला दुवा, त्यांच्यामधला असलेला आपुलकीचं संबंध, प्रेम, नातं, याचं हे मी म्हणेन की मला दिलेलं जे रिवॉर्ड आहे त्याचं हे प्रतीक आहे की पोलीस आणि जनता याच्यामधला संवाद कसा असावा, त्याचं ते त्यांचं असणारं आमच्यावरचं प्रेम मी या माध्यमातून एवढंच जनतेला आव्हान करेन. आम्ही तर नेहमी आपल्या पाठीशी असतो पण आपण सर्वांच्यामुळं मला जे आज रिवॉर्ड मिळालं असंच आपण आमच्या पोलीस बांधवांच्या वरती विश्वास दाखवावा, आमच्यावरती असंच प्रेम राहावं आणि आम्ही सुद्धा आपल्या हमेशा आपल्या पाठीशीच आहोत. परत एकदा मी धडक कामगार युनियनचे संस्थापक अभिजित राणे साहेब, त्यांची पूर्ण टीम, सर्व पत्रकार बंधू भगिनी यांना मी शुभेच्छा देतो आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन महत्त्वपूर्ण शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. धन्यवाद जी. मैं दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और मैं पेपर में लगातार लिखते रहता हूँ. मुझे धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष माननीय अभिजीत राणे जी ने आज पुरस्कार के लिए चयनित किया. मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं विशेष रूप से आभारी हूँ श्री राजेश जी विक्रांत का जो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और सामना में लगातार उनके लेख लिखे जाते हैं. मेरे भी स्तंभ सामना में हमेशा आते रहते हैं. दोस्तों, ये पुरस्कार हमें बहुत कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. ये सिर्फ पुरस्कार नहीं वरन अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने का एक तरीका है. अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से अभिजीत राणे एवं राजेश विक्रांत जी. धन्यवाद. सर,
नमस्कार, ये अपने चीफ मिनिस्टर आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। उसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है और निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे पिछले कई सालों से आम कामगारों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से महाराष्ट्र हो या पूरे देश में कामगारों की स्थिति कुछ खास नहीं है, तो उनके लिए जो अलग अलग कानून बन रहे हैं जो सरकार प्रावधान कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो धड़क कामगार की यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं अभिजीत राणे और पूरी उनकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो धड़क कामगार यूनियन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये अतुलनीय है क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कामगारों की को प्रोत्साहन देने का काम किया गया बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी मराठी और अन्य भाषा में जो साहित्यकार काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम में जो प्रेस के जो अच्छे रिपोर्टर हैं सबका सम्मान किया गया। ये समाज को एक रूप में बांधने की हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही प्रेरक है। जिसे आज यूनियन ने मुझे साहित्य के लिए उपन्यास कुलक्षणी के लिए जिस उपन्यास को महाराष्ट्र सरकार हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, इसके लिए आपके संस्था ने मुझे आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। आपके प्रति मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिजीत राणे साहब दिन दूनी रात चौगुनी अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहें और सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहें। मैं गीतकार हरीश चंद्र उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनकी सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। है आगे बढ़े और बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहें। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अजीत रानी जी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा पुरस्कार नहीं है ये, राष्ट्रभाषा हिंदी का पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का पुरस्कार है और ये जन्मभूमि का पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया राणे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे चलता रहे, मैं मेरा आशीर्वाद है आप सबके। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा से कोई मतलब नहीं है, हर भाषा का कि समझ सबसे बड़ी भाषा है, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ये सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी हो पंजाबी हो या मराठी हो, हर तो भारतीय भाषा, तो हमें हमेशा अपनी भाषा पे बहुत गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। कलाकारों को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं लेडीज़ हूँ और जो मैं काम करती हूँ आप लोग ने शायद देखा रहेगा, स्टंट वुमेन हम जो करते हैं, स्टंट वुमेन जो जैसे कि 25 माला या फिर हो गया 50 फुट या बहुत सी जैसे हाइटेस रहती है, गाड़ी में से रोल जंप है, गाड़ी से जंप है, गाड़ी बाइक स्कीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो आपने फिल्मों में देखा रहेगा कि कैसे होता है, कहाँ से स्टंट होता है, कैसे कौन कहाँ से गिरा है, तो वो चीज़ें हम करते हैं स्टंट वुमेन और पूरा हमारा टीम होता है उनके साथ हम लोग करते हैं। और यहाँ अभिजीत सर ने हमको बुलाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।
जो आपका अवार्ड मिलना है अपने रानी साहब के, क्या बोलना चाहते हैं? सो रानी सर को मैं थैंक यू सो मच, सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँ, क्योंकि जो काम हम जो करते हैं स्टंट के वो पर्दे के पीछे करते हैं। सो हम ज़्यादा दिखते नहीं स्टंट में, मतलब 5, 6, 17, 15 माले से जंप करते हैं, फायर शॉट करते हैं हम, मतलब रोलिंग करते हैं, सीढ़ी से रोल करते हैं, सब करते हैं, तो वो हम स्टंट कर नहीं पाते, तो वो हीरो लोग करते, वो हम करते, तो हम पर्दे के पीछे ही दिखते हैं, तो ज़्यादा हमसे कोई मुलाकात भी नहीं होती। तो सर इस कारण हमें सर बुलाए और सबको दिखाया कि हम क्या करते, तो सो थैंक यू सो मच, मैं सर को इतना ही बोलूँगी कि हमें यहाँ बुलाए और आपके वजह से हम दिखे। थैंक यू सो मच। इस तरह के घर के अधिकारियों की तरफ से आपको सम्मानित किया गया है, जीवन जी क्या बोलना चाहते हैं आप? जी मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और हमारा शो इमली में उनने बहुत सपोर्ट किया है रन करने में, सक्सेसफुली जो चल रहा है, हमेशा हमारे प्रोडक्शन हाउस में उनका सपोर्ट रहता है, वी आर एसोसिएटेड विद, आगे भी हम उनके साथ रहेंगे, अभी आगे नए शोज आ रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू हिम की इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस। ये अवार्ड किस लिए दिया आपको, किसने सम्मान किया ये अवार्ड? ये हमारा एसोसिएशन है, और जो हमने कुछ जैसे वर्कर्स की जो मांगे थी, हम हमेशा वर्कर ओरिएंटेड कंपनी है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है फोर लाइन से, तो हमने जब भी उनने जैसा भी बोला है हमने उनके मार्गदर्शन के हिसाब से काम किया है, तो इसलिए मर्जी है। आप सर बोलना चाहते हैं? सर मैं बोलूँगा मेरी टीम के साथ में, क्यों काफ़ी लोगों को अवार्ड मिले हैं जिसमें एक मैं भी हूँ, मुझे भी मिला है, तो मेरी टीम जस्ट आ रही है अभी, जैसी आएगी तो मैं अपनी टीम के साथ में आपको एक इंटरव्यू दूँगी। मैं साहित्य से बिलोंग करती हूँ, गुजराती नॉवेल्स वगैरह कुछ लिखी हुई है, और 12 जितनी फिल्में मैंने लिखी हुई है, तो मुझे खुशी है कि हमारे कार्य को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं, तो हम जब काम करते हैं जिसका किस तरीके से कुछ फल मिलता है तो अच्छा लगता है, और इसलिए अभिजीत राणे सर का थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अभिजीत राणे इस अवार्ड से सोशल वर्कर एक्टर प्रोड्यूसर के नाम से तो सबसे पहले मैं अभिजीत राणे जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड धड़क यूनियन को थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सबको पहले नमस्ते, मैं दिव्यांशी देव, एक्ट्रेस दिव्यांशी देव। आज का दिन बहुत स्पेशल है, मे डे भी है और महाराष्ट्र डे भी है, एंड एज अ पर्सन आई लव महाराष्ट्र बिकॉज आई एम नॉट ऑब्सेस्ड कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट यस हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे शहर की बात ही अलग है। इस शहर ऐसा है पूरे इंडिया में यहाँ पे सारी लड़कियाँ सारे औरत एवरीवन ऑल द गर्ल्स आर सेफ हियर। सबसे बड़ी बात है हमारी जिससे कि हम लोग बहुत सेफ है एज ए वुमन एज ए गर्ल। आई एम वेरी प्राउड, आई एम पार्ट ऑफ द सिटी, एंड अभिजीत राणे जी का ये जो प्रयास है महाराष्ट्र डे को करने का, ये हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा प्रयास है। एंड अभिजीत राणे बहुत काम करते हैं सबके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है वो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ये मेरा सेकेंड टाइम है महाराष्ट्र डे अभिजीत राणे जी के साथ, और सब थोड़ा जोर से बोलेंगे। तो आपको
पता है कि मैं इस धड़क कामगार यूनियन से जुड़ी हुई हूँ और एक मेरा ओहदा है जो कि पूरे महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे काम कर कर और ये अवार्ड जब हमारे सर या मेरे भाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो काम करते हैं ये उनका हक है और उनको एक अप्रिशिएट जो किया जाता है ना ये इसी तरीके से किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनियन के ज़रिए जो जुड़े हैं तो और भी लोग आए और जुड़े, इस तरीके से काम करें और हमारी यूनियन जो है बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फंक्शन होता है तो लोगों को हम जुड़ाते हैं और हमारे करीब आने का भी मौका देते हैं और हम भी उनके करीब जाते हैं। सामने देखिएगा, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को आज एक साथ में हम लोगों को रानी साहब ने बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज महाराष्ट्र दिवस है, ये हिंदुस्तान में बहुत सभी लोग मनाते हैं और हम लोगों को मनाना चाहिए। और कामगार धड़क यूनियन की तरफ से रानी साहब ने हम लोगों को बुलाया, इसमें हमारे फुरकान भाई, हमारे निज़ाम भाई और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब लोग इस दिवस का पूरा ये जो है साथ दे रहे हैं और सब साथ में हैं। रानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और मेरे साथ में जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, कोई भी आया है, मैं उनका कोई भी काम करने में और उनके साथ चलने में कोई भी चीज़ की लापरवाही नहीं करूँगा और हमेशा कलम हमारी कलम फाउंडेशन की तरफ। अभिजीत राणे साहब हमारे बड़े भाई हैं, हर बार प्रोग्राम में हम आते हैं उनके साथ, उनका हौसला बढ़ाते हैं और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र के जनता को देना चाहता हूँ हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएँ हैं, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएँ उनकी पूरी रहे। मैं जकी पटेल, हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश की आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से इतने उल्लास से आज महाराष्ट्र कामगार दिन का प्रोग्राम मनाया और हर साल वो मनाते हैं और साथ ही साथ जितने युवा के जितने रोजगार है और जितने हमारे लेबर है सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि किसी तरीके से वो सभी हमारे देश के आवाम को लेकर चले, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को लेकर आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छा लगा अभिजीत ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, धड़क कामगार यूनियन की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला और आज महाराष्ट्र दिवस है उसकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। और अभिजीत जी हमारे एकदम फैमिली मेम्बर हैं और हमारे मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा और अभी हमारे सहयोगी अपना शंकर जी ने पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला। बेसिकली हमारा भी एक हम दोनों एक ऑर्गेनाइजर हैं और हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है सिवा मीडिया वर्ल्ड, हैशटैग सिवा मीडिया वर्ल्ड आप लोग भी टैग कीजिएगा। बेसिकली हम लोग मूवी बनाते हैं, अवार्ड शो करते हैं, इवेंट करते हैं, अच्छे लेवल पर इवेंट तो हर कोई करते हैं लेकिन हम लोग का जो इवेंट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए हम लोग एक सोशल वर्कर और अवार्ड भी कराते हैं तो सोशल अवार्ड कराते हैं, इसलिए हमें अवार्ड मिला। और मैं अभिजीत सावंत जी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया, हमें इस मंच पे सम्मानित किए, उसके लिए मैं और आज महाराष्ट्र दिवस है तो मैं सारे देशवासियों को महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैंने किताब लिखी थी चंबल का शौर्य, दिखा दूँ इसको, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस किताब ने मुझे अच्छी पहचान दिलाई है। पिछले 15 साल 20 साल से मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ
लिख रहा हूँ, लेकिन ये साहित्यिक और साहित्य की तरफ मेरा कदम पहला है, इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, इसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी मतलब अलग अलग विधाओं से लोग आ रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कविता लिखते हो, या अलग अलग टेक्नीशियन हो, सबका सम्मान हो रहा है, जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिजीत रानी जी जो काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ा परिवार तैयार। उसी दिन आपको सम्मानित किया गया, आपको मैं सभी को देता हूँ अवार्ड, और मैं मुझे आज मिला है, तो थैंक यू सो मच अभिजीत रानी साहब, और थैंक यू तमाम मेरी मीडिया को, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी को, महाराष्ट्र दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन, तमाम मेरे मराठी बंधुओं को, मेरे मराठी भाई को, सभी को महाराष्ट्र दिवस का हार्दिक 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 अभिनंदन, मेरी तमाम मेरी मीडिया को। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे ये अवार्ड मिला है और अच्छा लग रहा है कि दुनिया को मैं अवार्ड देता हूँ, आज मुझे मिला है। एंड थैंक यू सो मच दादा, एंड थैंक यू आप मीडिया जो हमें इस गरीब को आप दिखाते हैं। मुझे एज एन एक्टर एंड मॉडल अवार्ड मिला है, और बहुत ही खूबसूरत दिन ये अवार्ड मिला है मुझे, थैंक यू सो मच अभिजीत राणे जी, बहुत अच्छा लगा ये जो भी सम्मानित किया गया उसके लिए। और ये चीज़ है कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो सब काम करते हैं, आज जैसे लेबर डे है, तो इन लोगों को इतना अच्छे से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि एक्टर्स और इनको तो काफ़ी टाइम मिलता है, बट जो इनको प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सब इतने खुश थे, एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। हाँ, मैं कल शूट पे जा रही हूँ, मेरी एक फिल्म आने वाली है जो स्टार्ट होने वाली है, मैं सारा डिटेल्स उसका अनाउंस करने ही वाली हूँ कल, एंड इट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म इज खोज, एंड कल से मैं शूट पे जा रही हूँ प्रोजेक्ट के लिए।